नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल ज़्यादा उम्र वालों के साथ साथ कम उम्र वालों को भी बाल सफ़ेद होने लगता है समय से पहले, जिसे आदमी तनावग्रस्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं दो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आप अपना सफ़ेद बालों को आसानी से फिर से काला कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा उसका नाम है सुपर भस्मोल 33 केस काला, और दूसरा प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर। तो दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको इस प्रोडक्ट का बेनिफिट्स और इस्तेमाल के बारे में कोई कंफ्यूज ना रहे। दोस्तों, एक बात याद रखना कि आप सभी को हमेशा अच्छे सच्ची जानकारी देना ही मेरा काम है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिया हुआ रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन दिखेगा उसे भी टच कर देना, ताकि आगे आने वाले हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं सुपर भस्मोल 33 केस काला के बारे में। दोस्तों, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें एमोनिया और पारोक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है आयुर्प्रास और बादाम प्रोटीन। बादाम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ई पाया जाता है, जो बालों को पोषण देने में और बालों को मजबूत बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, इसमें और एक खास चीज़ यूज में लिया गया है, जिसका नाम है आयुर्प्रास। ये हमारी बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, सुपर भस्मोल 33 केस काला बालों को नेचुरल ब्लैक बनाती है। इस प्रोडक्ट को मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को नहाने की 1 से 1.5 घंटा पहले आवश्यकता अनुसार हाथों में लेकर पूरे बालों पर लगाकर छोड़ देना, फिर किसी अच्छे शैम्पू से बालों को वॉश कर लेना। दोस्तों, सुपर भस्मोल 33 केस काला की जो 50 ml की बॉटल होती है उसका प्राइस है 32 rupees, और 100 ml की जो बॉटल होती है उसका प्राइस है 52 rupees। ये प्रोडक्ट हर जनरल स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर पर आसानी से मिल जाती है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरा प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर। इसका कंपनी का दावा है कि ये शैम्पू सिर्फ 5 से 7 मिनट में हमारे बालों को नेचुरल ब्लैक बनाती है और बालों को काफ़ी सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने में सहायक होती है। दोस्तों, इसमें अमोनिया जैसा हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें मुख्य रूप से आलमंड ऑयल और नोनी यूज में लिया गया है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों को नेचुरल ब्लैक और मजबूत बनाती है और हमारे बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसे भी खत्म करता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस शैम्पू का इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, नहाने से पहले शैम्पू को हाथों में लेकर सूखे बालों पर धीरे धीरे लगाकर 5 से 7 मिनट छोड़ देना। उसके बाद पानी से बालों को वॉश कर लेना। दोस्तों, वॉश करने के तुरंत बाद ही आपकी बाल एकदम नेचुरल ब्लैक दिखने लगेगा। ज़रूरत के हिसाब से आप इस शैम्पू को हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर की एक पाउच की प्राइस है 39 rupees। किसी भी जनरल स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें, और एक बात विशेष ध्यान रखें कि पहली बार इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना, यानी थोड़ी सी मात्रा में लेकर कोहनियों या कानों के पीछे लगाकर थोड़ी देर के बाद पानी से धो लेना। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप निश्चित से बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और दोस्तों इस वीडियो रिलेटेड आपकी जो भी राय या सवाल हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास वाले बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नया जानकारी के साथ।